व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट की जाने अनजाने श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता ओम पुरी की, जो अपने अभिनय क्षमता से किसी भी किरदार को पर्दे पर जीवंत करने में सक्षम थे। ओम पुरी भारतीय सिनेमा के कालजयी अभिनेता थे। उनके अभिनय का हर अंदाज दर्शकों को प्रभावित करता रहा है। ओम पुरी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 को पंजाब के अंबाला शहर में हुआ था। उनके बचपन का अधिकांश समय अंबाला में ही व्यतीत हुआ। उनके पिता रेलवे में नौकरी करते थे, इसके बावजूद परिवार का गुजारा बमुश्किल चल रहा था। ओम पुरी का परिवार जिस मकान में रहता था उसके पास एक रेलवे यार्ड था। ओमपुरी को ट्रेनों से काफी लगाव था। रात के वक्त वो अक्सर घर से निकलकर रेलवे यार्ड में जाकर किसी भी ट्रेन में सोने चले जाते थे। यही वो वक्त था जब ओमपुरी सोचते थे कि मैं बड़ा होकर एक रेलवे ड्राइवर बनूंगा। ओमपुरी ने पंजाब के पटियाला में स्थित गांव सन्नौर में अपने ननिहाल में रहकर प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसी दौरान उनका रुझान अभिनय की ओर हो गया और वो नाटकों में हिस्सा लेने लगे। उसी दौरान ओमपुरी एक वकील के यहाँ मुंशी का काम भी करने लगे। इसके बाद उन्होंने खालसा कॉलेज में लैब असिस्टेंट का काम भी किया। इस नौकरी के साथ ही ओमपुरी कॉलेज में हो रहे नाटकों में हिस्सा भी लेते रहे। उसी समय वो पंजाब कला मंच नामक नाट्य संस्था से भी जुड़ गए। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में स्नातक के बाद ओमपुरी ने दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD से अभिनय का कोर्स किया। फिर अभिनेता बनने का सपना लेकर उन्होंने 1976 में पुणे फिल्म संस्थान में दाखिला ले लिया। ओमपुरी के फिल्मी करियर की शुरुआत 1976 में मराठी फिल्म घासीराम कोतवाल से हुई थी। ये फिल्म विजय तेंदुलकर की मराठी नाटक पर आधारित थी। घासीराम कोतवाल की संवेदनशील भूमिका में अपनी अभिनय क्षमता का प्रभावी परिचय ओमपुरी ने दिया और धीरे धीरे वो मुख्य धारा की फिल्मों से अलग समानांतर फिल्मों के सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता के रूप में उभरने लगे। वर्ष 1981 में ओमपुरी को फिल्म आक्रोश मिली। आक्रोश में उनके अभिनय की जमकर तारीफ हुई। इसके बाद फिल्मी दुनिया में उनकी गाड़ी चल निकली। भवनी भवई, स्पर्श, मंडी, आक्रोश और शोध जैसी फिल्मों में ओमपुरी के सधे हुए अभिनय से दर्शक काफी प्रभावित हुए। फिल्म अर्ध सत्य उनके फिल्मी सफर में मील का पत्थर साबित हुई। अर्ध सत्य में युवा जुझारू और आंदोलनकारी पुलिस ऑफिसर की भूमिका में उनके अभिनय की काफी सराहना हुई। धीरे धीरे ओमपुरी समानांतर सिनेमा का एक चिरपरिचित चेहरा बन गए। साथ ही साथ ओमपुरी ने अब मुख्य धारा की फिल्मों का भी रुख किया। कभी नायक, कभी खलनायक तो कभी चरित्र अभिनेता और हास्य अभिनेता के रूप में वो हर दर्शक वर्ग से रूबरू हुए और उनकी प्रशंसा के पात्र बने। हास्य अभिनेता के रूप में भी उन्हें काफी प्रशंसा मिली। उनकी कॉमिक टाइमिंग गजब की थी। जाने भी दो यारों जैसी डार्क कॉमेडी से लेकर चाची 420, हेरा फेरी, मेरे बाप पहले आप, चुपके चुपके, मालामाल वीकली, सिंह इज किंग, बिल्लू जैसी फिल्मों में उन्होंने दर्शकों को खूब हंसाया। शूट ऑन साइट, महारथी, देव और दबंग में चरित्र अभिनेता के रूप में भी उन्होंने गहरी छाप छोड़ी। ओमपुरी ने एक चरित्र अभिनेता के अलावा नेगेटिव किरदार भी निभाए। ओमपुरी हिंदी फिल्मों के उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। ईस्ट इज ईस्ट, सिटी ऑफ जॉय, वुल्फ, द घोस्ट एंड डार्कनेस जैसी हॉलीवुड फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। सैम एंड मी, सिटी ऑफ जॉय और चार्ली विल्सन बार जैसी अंग्रेजी फिल्मों समेत उन्होंने 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। मकबूल और देव जैसी गंभीर फिल्मों में अभिनय करने वाले ओमपुरी अपने सशक्त अभिनय के साथ ही अपनी दमदार आवाज के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने हॉलीवुड एनिमेशन फिल्म जंगल बुक में एक किरदार को भी अपनी आवाज दी थी। उनकी आखिरी फिल्म 2016 में घायल वंस अगेन थी। हिंदी फिल्मों में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ओमपुरी हिंदी सिनेमा के वो सितारे थे जिन्हें लोग हर भूमिका में देखना पसंद करते थे। कलात्मक सिनेमा हो या कमर्शियल सिनेमा, वो सभी जगह अपना प्रभाव
छोड़ने में सफल रहे। अपने बेजोड़ अभिनय से भारतीय सिनेमा में अमिट पहचान बनाने वाले अभिनेता ओम पुरी का निधन 6 जनवरी 2017 को अंधेरी मुंबई में हुआ। जाने अनजाने श्रृंखला आपको कैसी लग रही है जरूर बताइए, और यदि आपने यूट्यूब चैनल वाइट इंक इंटरटेनमेंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइट इंक इंटरटेनमेंट।